गाइस देखो कौन आया आज घर पे। आज आए हैं पापा, बहुत दिन के बाद पापा मुझे और ग्रीवा को लेने के लिए आए, क्योंकि हम लोग जा रहे हैं मम्मी के घर। ये रही मेरी ग्रीवा, ग्रीवा भी रेडी हो गई है। ग्रीवा को अभी बस नहलाया धोया, मैं भी अभी रेडी हो गई हूँ, आप देख सकते हैं। गाइस हम लोग निकल रहे हैं, ये रही बैग मेरी और ग्रीवा की, जो भी सामान लेना था वो ले लिया। ये कर्टन बंद कर, क्रीवा को घर के कपड़ों में लेके जा रही हूँ, और क्रीवा की चंपल में भूल गई, अभी चलेगा। वैसे भी कल सुबह तो हम लोग वापस आ रहे हैं ना। देखो गाइस हम क्या पीने के लिए आए हैं, वेजिटेबल एंड फ्रूट जूस। गाइस यहाँ पे ना सारे वेजिटेबल्स मिक्स करके जूस मिलता है, तो क्रीवा को भी पिलाएंगे, सारे वेजिटेबल्स के फायदे मिल जाएंगे। पहला एक टेस्ट तो करे, क्यों लागे? कई बीजू नहीं जोई तो ये कड़ी भी ना खाए नहीं, बद्दू रवा दो ने बद्दू लगी। हमने लिया है मिक्स वेजिटेबल्स के जूस, घरे अपने पास टाइम मरे नहीं कारेलू ये कारेलू काढ़ी ना के भाई, कारेलू काढ़ी ना के वो खराब लगे भाई, रहा नहीं सारे भी खाली ना है। गाइस क्रीवा को भाई टेस्ट कराओ नहीं बाजू भाई अपो। गाइस क्रीवा को पता नहीं टेस्ट समझ में नहीं आया, हले हले। गाइस क्रीवा को टेस्ट पसंद नहीं आया, ले ले ग्लास नहीं हाल लगे खबर है जी। हाँ 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 चाले सरस मुझे तो गाइस पसंद आया, वैसे इतना बुरा टेस्ट भी नहीं है, करेले का टेस्ट ज्यादा समझ में। करेले का टेस्ट ना थोड़ा सा आ रहा है, लेकिन इतना भी नहीं, क्योंकि लेमन पाइनएप्पल ये सब भी डाला है ना इसके अंदर। मेरी क्रीवा को पसंद नहीं आया, क्रीवो बस तो गाइस अभी हम पहुंचने वाले हैं गांव का रास्ता, आप देखो कितना प्यारा है, ये सारे खेत है ना, ये रहने हवार के रुजो तो के। चलिए तो आप लोगों को घर पे चल के मम्मी को मिलवाती हूँ। क्रीवा मेरी पीछे बैठी है, ये रही नानू की गोदी में बैठी है क्रीवा आराम से। बाय बाय कर दे, देखो कितने कितनी आराम से बैठी है। मम्मी का कॉल आया था तो वो बात कर रही थी मम्मी के साथ। ये रहा नीला ही, गाइस मैं आप लोगों को मिलवाना भूल गई। बाय बाय कर, ये मेरे मासी का लड़का है, स्पेशली हम लोग इसके लिए ही आए हैं। आते मम्मी आ गई क्रीवा को लेने के लिए। क्रीवा चीची बता रही है, अभी ना चिड़िया है बहुत सारी। क्यों क्या चाहिए?
चीची क्या छे चीची चीची क्या छे हाँ ऊपर बतावे मारो दिक्को मम्मी ने आज नहाया भी नहीं है नाइटी में है तो बोल रही थी कि मुझे मत दिखा लेकिन मैं तो दिखाऊंगी ही नानी हाउस क्या आई आपने गुड इवनिंग गाइस यहाँ पे मम्मी आज बना रही है छोले भटूरे हमारे घर आज बने हैं छोले भटूरे आप लोग क्या बोलते हैं कमेंट बिलो यहाँ पे गरम गरम पूरी हमारी भटूरे जो है वो रेडी हो रहे हैं ये रही मेरी क्रीवा क्रीवा के लिए मैं अभी बनाऊंगी राब और आज हम लोगों ने बहुत जल्दी डिनर कर लिया क्योंकि मम्मी छोले भटूरे बना रही है ना तो 7:45 को ही हम लोगों ने हमारा डिनर हो रहा है 8 बजे से पहले पहली बार बहुत टाइम के बाद इतना जल्दी हम लोग ना ये डिनर कर रहे हैं क्रीवा पता नहीं क्या क्या लेके घूम रही है कब से क्रीव क्या थी लाई अभी चलिए हम लोग छोले भटूरे एंजॉय करते हैं इसके बाद ना मुझे गाइस क्रीवा का भी खाना रेडी करना है तारा माटे ना थी उजीजा हाँ उजीजी मम्मा ने मरतो ना थी मारा दीकरो अहीं आवे एटले तो गाइस आ गए हम अपने कंफर्ट जोन में मैंने नाइट ड्रेस पहन लिया क्योंकि सच बताओ तो यही मेरा कंफर्ट लेवल है मैं इसमें ही कंफर्टेबल रहती हूँ घर पे ना मुझे नाइट ड्रेस पहनना ही पसंद है कुर्ते वगैरह मैं ज़्यादा लंबे समय तक नहीं पहन पाती सच में बहुत टेस्टी बनाया है मम्मी ने छोले भटूरे एंजॉय करते हैं और आप लोगों को मिलते हैं थोड़ी देर में तो गाइस अभी मैं आप लोगों के साथ क्रीवा की राब की रेसिपी शेयर कर रही हूँ जो मैं क्रीवा के लिए राब बनाती हूँ ना बहुत हेल्दी होता है ये बच्चों के लिए तो बहुत ही अच्छा है यहाँ पे ये देसी घी है साथ में मम्मी ने ये थोड़ा सा ये मिल्क लिया है काउ मिल्क थोड़ा ये नमक है और साथ में यहाँ पे ये जीरा पाउडर है अभी आप लोग देखिएगा बहुत ईजी है और 5 मिनट में ये हो जाती है राब प्लस आटा इसके अंदर यूज़ होता है तो ये बच्चों के लिए हेल्दी भी है मेरी क्रीवा भी साथ में यहाँ पे बैठी है बनाने के लिए तो ये आटा है इसमें से 1 चम्मच आटा यूज़ होगा इतना बस मम्मी अभी आप लोगों के साथ शेयर करेगी मम्मी ही बनाएगी अभी तो यहाँ पे 1 चम्मच से भी थोड़ा सा कम हम देसी घी लेंगे कोशिश करो कि घर का बना हुआ देसी घी है वही यूज़ करो अपने बच्चे के लिए तो यहाँ पे 1 चम्मच जैसे ही घी थोड़ा मेल्ट होता है इसके अंदर हम डालेंगे 1 चम्मच आटा आटा इतना ही डालिएगा जैसे लिक्विड फॉर्म में हो जाए ना ये उतना डालना है अभी आप लोगों को दिखाते हैं तो कुछ इस तरह से ये लिक्विड फॉर्म में होना चाहिए एकदम स्लो गैस होना चाहिए वरना ये जल भी सकता है यहाँ पे मम्मी थोड़ा सा नमक ऐड कर रही है क्रीवा मना कर रही है देखो क्रीवा मना कर रही है कि ये नहीं लेना है तो ये जीरा पाउडर है थोड़ा सा बस अभी इसको थोड़ा चलाएंगे हम जैसे ये लाइट पिंक होता है ना हल्का जैसे आटा अच्छे से हम इसके अंदर डालेंगे काउ मिल्क आप चाहो तो इसके अंदर गाइस फॉर्मूला मिल्क भी ऐड कर सकते हैं लेकिन मैं तो बोलूँगी बेस्ट है काउ मिल्क 1 साल के बाद आप काउ मिल्क ही यूज़ करो वो बच्चों के लिए अच्छा होता है चलिए इसको ज़्यादा नहीं कुक करना है बस हल्का सा जैसे राब होती है ना इस तरह से थोड़ा सा हम इसका जो टेक्सचर है वो ठीक करेंगे यहाँ पे भाई भी आ गया है देखने के लिए कि तो गाइस ये रेडी है आप चाहो तो थोड़ा सा ठीक भी कर सकते हैं लेकिन क्रीवा को लिक्विड फॉर्म में ही पसंद है
रीवा को घी बहुत पसंद है। मम्मी वधारे नहीं बस यम्मी। तो चलिए आप लोगों को मिलते हैं थोड़ी देर में। अभी क्रीवा को ये मैं फटाफट पिला देती हूँ। क्रीवा को लगी है भूख। क्रीवा मुझे देखती है तो ये सब सीख गई है। इस तरह से करना है, ऐसे करना है। देखो क्रीवा अभी खुद से कुक करेगी। तो गाइस क्रीवा का बीफ लेके ही आई थी मैं इस बार। नहीं रे 2 मिनट। क्रीवा को बहुत भूख लगी है, कब से मांग रही थी। आप क्रीवा को कुछ भी चाहिए होता है ना तो कल ऐसे करती है। अब देखो जल्दी जल्दी चाहिए क्रीवा को। क्रीवा को बिल्कुल भी सब्र नहीं है। क्रीवा केवो छे यम्मी छे दीका। हाँ दीका आपे ने नानी आपे छे ने दीकरा। क्या दिखा रही है? लाइट देखो, लाइट छे ने ये। यस आज हम सबका डिनर हो गया है। क्रीवा का सबसे लास्ट में। वैसे भी यहाँ पे क्रीवा का पेट भरा हुआ होता है। शाम के वक्त क्रीवा ने फ्रूट्स खाए। क्या सुखा दू? बनाना पछी बीजू सुखा दू क्रीवा ए सुलावेला। नानू ऑरेंज लावेला, ऑरेंज खा दू। क्रीवा ने ऑरेंज खाया और बनाना। हाँ द्राक्ष भी खाई क्रीवा ने, ग्रेप्स भी खाई। तो गाइस हम ये क्रीवा का टॉय लेके आए थे ना, ये यहाँ पे ही था। अब इस बार आई हूँ तो लेके जाऊंगी। क्रीवू कौन हो दिखा? नीले लाइट चालू करी अपने दिख रहा हूँ। लाइट ज़्यादा यूज भी नहीं हुआ है इसका। ये ना कुछ इस तरह से है, क्रीवा ने खराब भी कर दिया। इस तरह से जोर जोर से ठोकती है ये। हाँ कौन कर रहा? क्रीवू मारी ले। ક્રીવાનો છે ને આ ટોય? હા એનું ચાલુ રાખ એમ કે આપ મારું રમતા રમતા હું ખાઈશ એમ કે નહીં રમતા રમતા ખાઈશ નાની ને એવું કે રીવા ને એ પૂરા આજ એ પૂરા તોડને વાલી પક્કા। તો ગાઈસ અભી હમ બસ સોને હી જા રહે હૈ ઓર ઇસ વિડિયો કો કરતે હૈ હમ યહી પે એન્ડ। રીવા કો દૂધ પિલા રહી હું બસ, ઇસકે બાદ હમ ઉપર જા રહે હૈ સોને। और बहुत थक गई हूँ आज तो, पूरा दिन बहुत बिजी रहा और कैसे निकल गया पता ही नहीं चला। कल सुबह एक नया व्लॉग शुरू करेंगे। बाय, तब तक के लिए टेक केयर। बोल बाय, सी यू। हमने बाय कही थे, बाय करो। तब तक के लिए टेक केयर, कुकू। मेरे क्रीवा ने बद्दू खबर छे। अभी मेरी क्रीवा को ना गाइस सब पता चल रहा है कि मम्मा वीडियो बनाते हैं। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। ख्याल रखिएगा अपना बहुत सारा। सी यू, गुड नाइट।